वहाँ दी उसके दिल की आवाज है और दरकज़ई वो बचपन की कमिटमेंट है। थोड़ा थोड़ा दरकज़ई को पसंद नहीं करते, मैंने देखा, मैंने देखा उसकी आंखों में जरा है चूड़ियां फूल और कुछ। खजिस्ता ने बड़ा कमाल ये किया है कि वो लोगों को उससे कंफ्यूज छोड़ दिया है कि यार ये इधर भी यूं करके देख रही है, वो जो खजिस्ता से देखती ना यूं करके उधर भी यूं देख रही है। और फिर वो वाला सीन पसंद किसको करती है। पिछली दफा भी मुझे याद है कयामत का एक कैरेक्टर था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, और फिर किस्सा मेहरबानों का एक कैरेक्टर, देन दीज बोथ प्लेज फ्रॉड, एंड फ्रॉड में तो टोटली नेगेटिव है लेकिन स्नीकी वे में नेगेटिव है, आउटराइट नेगेटिव नहीं है। लोगों को लगा था शुरू में कि फिर नेगेटिव कैरेक्टर, बट दरकज़ई इज नॉट नेगेटिव कैरेक्टर। सो मुझे कैमरा मैन ने रिपीट करने का बोला कि जस्ट यू आर एन एशियन एक्टर, बिकॉज़ यहां पे एशियन एक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं इधर। ऑब्वियसली वो रीसर्फेस कर गया 4-5 साल बाद, उसके इतने मजे के मीम्स बनना शुरू है। आई एंजॉयड इट मोर देन एनीबॉडी एल्स, बट इफ समबडी थिंक्स दैट आई वाज गेटिंग एंबैरस्ड और मेकिंग फन ऑफ मी, आई वाज नॉट गेटिंग एंबैरस्ड। मैं अपनी किसी मॉरल गलती पे एंबैरस होऊंगा? आपने कितनी खूबसूरत बात, मैं अपनी किसी लैंग्वेज या किसी और बात पे क्यों एंबैरस हूं? डिसऑनेस्टी की है और मैंने किसी का माल लूटा है या मैंने किसी का हक खाया है तो मैं तब एंबैरस होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगजीन। आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हमनशीन इज वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामास दैट्स ऑन एयर राइट नाउ। और दरकज़ई का जो कैरेक्टर है, शुरू में तो बड़ा गुस्सा आता था मुझे उन पे, ओह माय गॉड क्या कैरेक्टर है, स्पेशली खजस्ता बेचारी को कितना तंग किया हुआ था। लेकिन आहिस्ता 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 अब हम ऐसे हो गए कि दरकज़ई कुछ भी कर ले तो हम कहते नहीं, दरकज़ई तो बस अब दिल जीत लिया उन्होंने। तो एहसन खान से बहुत अरसे से बातचीत हो रही थी, फाइनली आई एम सो ग्लैड दैट ही टुक आउट टाइम फॉर अस एंड आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे दरकज़ई के बारे में और शर्जील अतरे के बारे में। सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला, शर्जील अतरे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक, बहुत अरसे से ड्यू था आपसे मिलना, और वो समय बिकॉज मैं फ्रॉड की शूट लाहौर में चल रही थी जी, एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग आल्सो, तो कराची में तकरीबन 3 महीने बाद आया हूं। ओह वाओ, 3 महीने बाद। After finishing fraud and after all the travel that I've done, so काफी अरसे बाद वापस। तो आप miss कर रहे होंगे कराची को तो बहुत ज़्यादा, नहीं? बस वो काम में, आप वैसे तो जहाँ जाते हैं वो लगती है अपनी जगह जी, लेकिन ये कि naturally I have my house there, तो वो miss करते हैं। मुझे लगता है कराची की एक vibe है, एक आदत है, उसको वो चीज़ फिर आप मजा आ रहा होता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद मुझे लगता थोड़े है अरसे बाद आप यू मिस योर होम एंड यू मिस द वाइब ऑफ कराची। मैं इतना शफल करता हूँ लाहौर और कराची के बीच में क्योंकि वहाँ भी मेरा घर है जी, बिल्कुल यहाँ भी है, लकीली। तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लगता है बस मैं अब यहीं रहूंगा, फिर थोड़े दिन गुजरते मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे वहाँ जाना, फिर वहाँ वापस जाता हूँ, कराची आता हूँ, मैं कहता हूँ यार लाहौर जाना है 3 महीने बाद। सो वो ये चलता रहता है मेरे साथ। तो कराची आके आप लाहौर भी मिस करते हैं? नॉट एग्जैक्टली, बट आई डू, मैं टाइम निकाल के निकल जाता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ एक प्रोजेक्ट वहाँ का कर लें साल में एक बार, कुछ दिन यहाँ गुजारें ज्यादा, कुछ वहाँ गुजारें, इस तरह से। और लाहौर में तो आई थिंक आप लोग थोड़े अंदरून लाहौर भी गए हैं, एरियाज कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं अभी फ्रॉड में, तो बिल्कुल हमने बादशाही मस्जिद और उस पूरे एरिया में आपने देखा वो शूट सीन्स किए, बहुत दैट्स अमेजिंग, आई लव दैट प्लेस, तो वो वहाँ पे जाके शूट करने का एक अलग मजा है, मजा आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो वील स्टार्ट, लेकिन इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दरकज़ई के बारे में बात करना या अतरे साहब के बारे में, मुझे I thought we'll talk a little bit about floods and जो चल रहे हैं, because मुझे पता है कि आप काफ़ी involved हैं and काफ़ी आप कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे ऑफ द कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे मैं और एहसन कि हम दोनों चाह रहे हैं कि हम वहाँ जाएँ, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज सेफ्टी सिक्योरिटी एंड वी वॉन्ट कि जो भी काम हो वो इफेक्टिव हो। बट रिसेंटली अभी आप जैसे मुझे बता रहे थे, तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा शेयर करें ताकि लोगों को थोड़ी गाइडेंस भी हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो उससे भी कोई सीख सकता है। मैं पर्सनली, क्योंकि अक्सर जहाँ आप ग्राउंड पे अगर चले जाएं, जिस जगह पे एक मुसीबत आई होती है तो आप वहाँ पहुँच जाएँ तो बड़ा आप देख भी लेते हैं, बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। बट ये अब 70% ऑफ पाकिस्तान हर जगह, ये आप नॉर्दर्न एरिया क्या और पंजाब क्या, सिंध क्या और बलूचिस्तान, सब जगहों पे एक मुसीबत है। एंड यू नो आप, मेरी तो हम नेचुरली एक इंसान है, आप जब देखते हैं वीडियोस 2-3 रातें तो नींद ही नहीं मतलब आई इस तरह ये देखते हुए। सो आई वॉज वॉन्टिंग टू गो देयर, फिर मेरे कुछ दोस्त उनके साथ प्लान भी बना, फिर उनके साथ कुछ ऐसे रास्ते में डिस्टर्बेंस हुई कि किसी ने ट्रक लूटने की कोशिश की या वहाँ बहुत रश आ गया, उस रश को कंट्रोल करना, नेचुरली आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज जब आप इतने डेस्परेट डिप्राइव्ड होते हैं तो आप फिर इंतज़ार नहीं करेंगे कि यार आप लाइन में खड़े हो, नेचुरली वो एक मैं समझता हूँ उसको ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट आई मस्ट से कि जो भी गवर्नमेंट है या अपोजिशन है या हमारी आर्मी जिस तरह काम कर रहे हैं, इज ब्रिलियंट यार, मतलब मैं उनके देखता हूँ कि जवान किस तरह जाके हर जगह पहुँचे हुए हैं। और कुछ हमारी प्राइवेट एनजीओज जैसे आई वुड लाइक टू नेम देम, अल खिदमत है, JDC
हैं और ईदी भी हैं और बहुत सी और हैं जो टी सी एफ बहुत काम कर रहे हैं और बहुत से लोग कर रहे हैं. सो देन आई थॉट कि मैं इन सब के साथ मिलकर काम करूँ. आई हैव स्टार्टेड रेजिंग माई वॉइस फॉर देम. मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ पर्सनली अपनी पॉकेट में से. मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं इसलिए मैं परसों हमारे कुछ एक्टर्स इकट्ठे थे हम टीवी की एक टेलीथॉन में फंड रेजिंग के लिए. तो मैंने उनको बुशरा अपा थी और एक दो और लोग थे. मैंने बोला आप लोगों के सामने इसलिए दें ताकि लोग भी आए आपको देखें. सही बात है. इट इज़ नॉट ये कोई ऐसी इसमें कोई दूसरी राय नहीं. और मैं समझता हूँ कि सबको मिल के हम लोग सब अगर मिलके काम करें तो यार बड़ा काम हो सकता है यूनाइटेड होके एक साथ. सो दैट्स हाउ आई एम डूइंग दिस एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितनी अथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें मैं थोड़े थोड़े बांट के अपने या दोस्तों से लेके या पैसे कर करा के तो फिर ताकि जो अफेक्ट हुए हैं लोगों तक पहुंच जाए सारा. मुझे ये बात अच्छी लगी कि ऐसा मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि ऐसा एक्चुअली गए उन जगहों पे मतलब ऑफिसेज में जहां वो सब कलेक्ट कर रहे हैं उन्होंने देखा है ताकि सिर्फ ऐसे नहीं कि बस घर से बैठ के एक चेक भेज दिया. क्योंकि आपको मालूम है मैं सवात का मैंने एक वीडियो लगाया था और हम मदियन और बहरेन जो सवात की जगह मैं वहाँ पे शूट किया हुआ है. उफ़ आपको तो बहुत अफसोस हो रहा होगा. मतलब मैंने वो होटल्स और वो चीज़ें अपनी आंखों से देखी. वहाँ के लोग इतने प्यारे लोग इतने अच्छे यानी दैट प्लेस इज अमेजिंग. उन्होंने हमारी इतनी मैं समझता हूँ एक महीना वहाँ रह के इतना प्यार दिया कि मुझे लग रहा था मैं सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ यार. इतने प्यारे लोग और जब उनके ऊपर एक मुश्किल आई यार मैंने सैलाब देखा तो मेरा तो वो जगह देखिए लिटरली इवन नाउ आई एम टेलिंग यू आई एम फीलिंग सैड कि यार वो लेकिन आप ऑब्वियसली यू कांट फाइट नेचर से तो आप फाइट नहीं कर सकते लेकिन ये कि अब उनके लिए हम बात कर सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं और करनी भी चाहिए हम सबका फ़र्ज है. ट्रू. तो ये अल खिदमत JDC और TCF के साथ जो आप काम कर रहे हैं तो आपका जब आप पर्सनली जाके देखा है जो वो कलेक्ट कर रहे हैं आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत नोटिस की आपने जो आप शेयर कर सकते हैं जो लोगों को और बिलीव कराए. मुझे मैंने तो मैं हैरान हो गया उनका सेटअप देख के इन सब लोगों का स्केल ऑफ एफर्ट यार. मतलब आप सिर्फ बोलने में और देखने में फ़र्क है और इतना ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि खाने की चीज़ें उनके पहनने की ख्वातीन के कपड़े मर्दों के कपड़े उनके टेंट्स उनकी मच्छरदानियाँ उनके कॉयल्स फॉर मस्कीटोज एंड सो मच मोर इज़ अलग 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 उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ अलखिदमत वालों ने भी JDC ने भी सब लोगों ने. और एक मैसिव आप यकीन करें कॉलेज के जो बच्चे बच्चियाँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं मैं इतना मुतासर हुआ हमारे उनको देख के दिल भी बड़ा होता है कि यार ये देखो ये हमारे आजकल के यंग और बिल्कुल फ्री ऑफ वॉलंटियर्स हैं सारे जो फ्री में काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट्स कमेंडेबल यार. मैं समझता हूँ सिर्फ बैठ के बात कर लेना तो बड़ा आसान है या लिख देना फोन के जरिए घर में बैठ के सही बात है. हाँ. लेकिन जाना चाहिए हम सबको. तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज थी अभी तक कि मैं क्या करूं क्या. अब आप मुझे रेकमेंड करेंगे मैं जाके इनको पर्सनली देखूं. I think you should personally go there. मुझे फर्क पड़ेगा. And I know them well because मैं आज नहीं मैं लोगों के साथ JDC के साथ तो मैं बहुत अरसे से काम कर रहा हूं. मैं बहुत सालों से मैंने इनके साथ बहुत काम किया है. तो मैं इन और भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम दे रहा हूँ आप खुद भी चेक कीजिए जो TCF के साथ में बहुत अरसे से काम कर रहा हूँ और बहुत से और जबरदस्त लोग हैं हमारे जो करना चाहते हैं तो इनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है सही. अब ऐसे ने मुझे कन्विंस कर लिया. आई थिंक आई एम गोना गो एंड आई थिंक यू शुड गो देयर. आई थिंक हम अगर हम भी वीडियो करके उसको लोगों तक आई थिंक यू शुड कवर इट एंड शो कि लोग कर क्या रहे हैं. आप मेरे साथ चलिएगा मैं आपको ले चलूंगा. ठीक है लेट्स प्लान JDC पे अलखिदमत पे TCF के साथ. टाइम निकाल लें. नहीं नहीं आपके पास में शायद 2-3 महीने से प्लान हो रहा था बहुत देर बाद. आपने मुझे कन्विंस कर लिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट बिकॉज आई वाज अ बिट कंफ्यूज कि क्या करें यार क्या करें. इतना तो हम कर सकते हैं कि जो थोड़े ज्यादा पैसे वो किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को और नहीं और लोगों को दिखाना कि किस तरह काम हो रहा है ताकि लोग और ट्रस्ट हो और जो मेरी तरह झिझक रहे हैं वो फिर दिल खोल के कंट्रीब्यूट कर सकें. बिकॉज आई एम इन अ कंफ्यूज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आई नो आर कंफ्यूज कि यार हम कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कैसे क्या करें और क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं. नहीं हो सकता हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो जाया तो नहीं चली जाएगी. सो ऑल ऑफ दिस विल ऑल ऑफ दिस विल हेल्प. चलें अब हम आते हैं दरगज़ई के पास बिल्कुल की तरफ. यू नो बहुत मजा आ रहा है दरगज़ई को देख के. बहुत चलें आई एम ग्लैड. आपके पास ये कैरेक्टर आया कैसे एंड व्हाट मेड यू से यस व्हाट आई जस्ट रेड. अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे अभी जितने भी हमारे ज़बरदस्त प्रोडक्शन हाउसेज हैं और चैनल्स हैं वो सब मुझे जब स्क्रिप्ट भेजते हैं तो दे ऑफर मी अ गुड कैरेक्टर. माशाल्लाह से आई कैन सी दैट. इट्स रेयर कि मुझे कोई
एक एवरेज या अंडर एवरेज कैरेक्टर ऑफर होता है, उनको मालूम है कि एहसन चाहता ही अच्छे कैरेक्टर्स करना, तो वो आते ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट एक दो दफ़ा जब आते भी हैं तो फिर मैं उनको कहता हूँ यार ये क्यों भेजा है मुझे, इतना रहा था मेरा, वो कहते अच्छा नहीं नहीं आप बना लेते होते हैं, आप बना लें, तो मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि कैरेक्टर में कुछ लिखा हो तो मैं उसको फिर मजीद बनाऊंगा। हाँ आई वर्क वेरी हार्ड फॉर माई कैरेक्टर, आई मेक इट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बस सेट पे गए और स्क्रिप्ट पढ़ लिया। मुझे लगता है सभी जो अच्छा काम करें सबको सभी अपना कैरेक्टर में मेहनत करते हैं, बट मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा सेल्फिश भी हूँ और थोड़ा ज़्यादा डिटर्मिंड भी हूँ। आई एम मतलब मैं फिर मुझे कुछ और फिर दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता, मैं उसमें पूरी एफर्ट डालता हूँ और हमें नज़र भी आ रहा है। आई थिंक हम जो भी, जैसे आपने बोला जो भी आपके रिसेंट कैरेक्टर्स हमें जो अब ऊपर से याद हैं वो सब दे आर, यू नोटिस देम, दे आर इंटरेस्टिंग, यू नो, आई एम ग्लैड कि वो ऐसे हो रहा है, बिकॉज पिछली दफ़ा भी मुझे याद है कयामत का एक कैरेक्टर था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, और फिर किस्सा मेहरबानों का एक कैरेक्टर था, वो एक अलग, ऑल्दो दैट वाज आल्सो, किस्सा वाज नेगेटिव, कयामत वाज नॉट नेगेटिव, वाज अ हीरोइक एंड नेगेटिव आल्सो, देन दीज बोथ प्लेज, फ्रॉड एंड फ्रॉड में तो टोटली नेगेटिव है लेकिन स्नीकी वे में नेगेटिव है, आउटराइट नेगेटिव नहीं है, और इसमें लोगों को लगा था शुरू में कि फिर नेगेटिव कैरेक्टर, बट दरअसल इज नॉट नेगेटिव कैरेक्टर, वो एक अलग सोच का ज़रूर इंसान है बट वो नेगेटिव नहीं है कहीं से भी। तो वो वाकई खजस्ता को से मोहब्बत करता है या ये ओनरशिप ज़्यादा है, ओनरशिप की नीयत ज़्यादा कि ये मेरी चीज़ है, ये कोई और नहीं ले सकता? अच्छा आप देखें कि उसने एक जगह पे बोला कि मैं कोई कोई ऐसा लड़का नहीं हूँ कि कुत्ते की तरह दो में ला के उसके पीछे जाएगा हर एक के पीछे, वो बोला उसने ऐसे, बिकॉज ही हैज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड सीन दिस गर्ल एज हर्स, और ये बहुत जगहों पे होता है, ये बहुत शहरों में भी होता है, अक्सर बचपन में माँ बाप मंगनी भी कर देते हैं कजन्स की या किसी गैर से भी कर देते हैं, अगर आपस में दोस्त होते हैं बचपन में तो थोड़ा सा जहन में यंग लड़के लड़कियों के आ जाता है और फिर वो उनको विजुलाइज सारी जिंदगी के लिए उनके दिल में बैठ जाता है वो कि ये मेरी है ये मेरा है, लड़कियों के लिए भी ऐसा होता है, लड़कों के दिल में भी होता है, और फिर उनके बारे में पोजेसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई थिंक उसको तो अभी पिछले एपिसोड में तो वो आंसू निकाल के वो कहता है मैं कुर्बानी भी तुम्हारे लिए देने को तैयार हूँ, और उसने बड़ा हिम्मत हौसला करके उसका हाथ भी पकड़ लिया और अपने दिल की धड़कन पे भी रख के देखा है, तो फिर वो आई थिंक ही इज ऑल अबाउट खजस्ता। तो मुझे लगता है मोहब्बत है जिसमें थोड़ी सी ओनरशिप भी आ जाती है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना कि पोजेसिवनेस आ जाती है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नॉट दैट इगोइस्टिक पोजेसिवनेस, आई थिंक वो जब उसको ये दरगज़े का जो कैरेक्टर है, अच्छा हर कैरेक्टर्स की अलग अलग डायनेमिक्स है ना, लाइक ये वो सिटी और ये पढ़ा कहीं और से आया होता होता उसकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता, पढ़ा लिखा कहने का मेरा ये मकसद है कि पहाड़ी इलाके के लोग वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई है, आप हुंजा और इधर उधर जाएँ वहाँ ज़्यादा तालीम है, हम शहर के लोग ज़्यादा जाहिल हैं और वो बहुत पढ़े लिखे, और उनकी जो मैं वहाँ के जो लोकल लोगों से मिला, मैं आपको ये बता, मैं आई वॉन्ट टू मैंशन दिस, मदियन होटल जिनका था और उनकी मैं फैमिली से उनके बच्चों से, दे आर लाइक हाईली क्वालिफाइड, गेट पे बेचारे हमारे लोग दो दो घंटे वहाँ खड़े होते थे मिलने के लिए फैंस, और वो दे वर सो डिसेंट एंड वेल एजुकेटेड एंड sober, nice people, I must say. So वो ये नहीं लोग, मैं एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ, जब आप बहुत वेस्टर्न काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल होता है तो उसमें एक डिफरेंट थाट प्रोसेस होता है, जब आपका एक सिटी ओरिएंटेड आप रहते हैं उस जगह पर एक अलग आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं और अपने अपने कल्चर अपने इलाकों में देहातों में पहाड़ी इलाके में सबके अपने अपने नॉर्म्स और कल्चर होते हैं, एंड आई थिंक वी ऑल शुड रिस्पेक्ट देयर प्रायोरिटीज एंड देयर कल्चर, वट एवर दे बिलीव इन, there is something that they believe in that, तो वो उनको उसको इज्जत भी देनी चाहिए, तो वो दरगज़ई को बस ये है कि थोड़ा उसको जज्बाती दिखाया कि वो चाहता नहीं है कि उसके ऊपर किसी और की निगाह जाए, वो प्रोग्रेसिव ज़रूर है, वो उसकी प्रोग्रेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, बट वो ये नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द का हाथ पर, ही इज़ सुपर पोजेसिव, बट ग्रेजुअली यू सी उसमें चेंज भी आया, ही इज़ लर्निंग कि यार ये एक जब उसकी माँ हस्पताल जाती है तो फिर उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, चीजें हुई हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज, तो वो देखता है कि वाकई यार ये तो बड़ी अच्छी जबरदस्त बात है कि अगर मेरी होने वाली बीवी या मेरी मंगेतर जो है वो डॉक्टर बन जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा पूरे इलाके के लिए। अच्छा मुझे कहानी बड़ी सुनने को मिली है मजे की,
कि वो जो फोटो शूट हो रही थी या वो जो कुछ हथियार वगैरह थे वो एहसन खान ऑल्सो नोन एज दरकदई ने हथियार लिए सारे और पूरी कास्ट ढूंढ रही है. क्या आप ही शेयर करें कहानी. अच्छा वो ये हुआ कि जब इसका फोटो शूट आप देखते ना, कभी मैंने चाकू पकड़ा हुआ है यूं खड़ा हुआ, कभी मैंने रबाब पकड़ा हुआ है यूं बजा रहा हूं, कभी मैंने बंदूक क्यों की. तो जब हम ऑब्वियसली पूरी कास्ट उस शूट पे एक साथ थी, जिब्रान एंड शहजाद मी हिबा ऑल अदर एक्टर एक्ट्रेसेस दे वर देयर ऑन द शूट, जब जो भी आप पिक्चर देखते हैं. अब वो सारे प्रॉप्स जो थे वो तो मैंने पहले ही उठा, लोग सोचेंगे यार ये कितना, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे प्रॉप्स हैं यार मैंने सब के लिए. तो वो उन्होंने जब मुझे जिब्रान ने या किसी ने बोला कि शहजाद ने कि यार ये हमारे लिए क्या है, मैंने कहा यार ये तो मेरे कैरेक्टर पे है, अब तुम चाकू क्यों पकड़ोगे, तुम डॉक्टर हो ये पकड़ लो, तुम स्टेथोस्कोप पकड़ लो. और जिब्रान को मैंने बोला तुम एक बस चादर पकड़ के यूं, वो कह रहे नहीं भाई मैं भी बंदूक. सो वो एक बड़ा मजे की मैंने सब प्रॉप्स जो है छुपा के अपने लिए रख ली कि यार ये तो मैं वो, बल्कि सब लोग हंस रहे थे कि यार ऐसन you know, वो obviously they all friends also. Of course, और it was good fun, yeah. In fact, मैं शहजाद की एक बात बताऊँ, शहजाद मुझे कहता है कि भाई ये क्या तस्वीर है यार, ये ऐसन क्या कर रहा है. मैंने कहा क्या हुआ, तेरे लिए ऐसन ओनली फॉर यू मैं तेरे इधर इधर खड़ा हो रहा हूँ साइड पे, वरना मैं मिडल में खड़ा होता. मैंने कहा यार मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, आप मुझे पीछे खड़ा कर लें साइड पे, आप शहजाद आप आगे आ जाओ यार. बट यू नो वी वर अब मजाक उसमें, मजाक आपस में कि मैं सेंटर में अपनी जगह ले रहा हूं, मैं हिबा को भी इधर कर. सो वो एक मजा आता है उसमें. हां, सो आई थिंक यू गाइस हैड फन एट द शूट. ऑफ कोर्स वी, आई थिंक मुझे इस शूटिंग पे मैं तो क्योंकि पूरी टीम अली की पूरी टीम जो है दैट देयर असिस्टेंट्स जीशान एहतशाम वो दे इफ दे वॉच द इंटरव्यू वो बड़े खुश होंगे उनका नाम लिया. एंड द होल टीम आर कैमरा पर्सन एवरीबॉडी देयर ऑल लाइक टू गुड द चिल्ड आउट पीपल. सो बड़ा मजा आता है आपस में काम करने. बुखारी साहब जो डीओपी हैं उनका भी बहुत जबरदस्त काम है, बहुत अच्छा काम है. ही इज अमेजिंग, बहुत अच्छा काम निकल. आई लाइक टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज ये जो चीजें होती हैं अब जैसे जैसे हम समझ रहे हैं ऐसा तो हमें भी अंदाजा हो रहा है कि ये पूरे आपका ड्रामा देखने के एक्सपीरियंस को कितना फर्क दिला देती है ना. बिल्कुल. और उसकी उसकी जो पिक्चराइजेशन है, उसके जो एंगल्स हैं, everything colors, matters. everything matters. I mean, एक इंसान कोई कुछ उसमें कमाल नहीं कर सकता, पूरी टीम का कमाल. अच्छा ये बताएं एक्सेंट उसको करने में टाइम लगा, मुश्किल था या आसान था? टू बी ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल मुश्किल लगा. मुझे ये था कि मेरे जाने से पहले जिब्रान और हिबा भी सीन्स कर चुके थे और शायद जो मदर थी वो भी कुछ कर चुकी या कुछ और एक्टर्स जो कुछ कर चुके थे काम. तो मैं जब पहुंचा वहाँ पे जिस दिन, तो मुझे उसी दिन शूट करना था जिस दिन मैं सवाद पहुंचा. और इनफैक्ट मेरी कोशिश थी कि पहले पहुंच जाऊँ कुछ घंटे, आई वांटेड टू सी देम कि वो क्या, बिकॉज वो बड़ा ऑड लगता अगर हम अलग अलग कहीं एक पंजाबी स्टाइल में बोल रहे हैं और एक अंग्रेजी स्टाइल में और एक उर्दू स्टाइल में और एक तो वो क्योंकि मैं मेरे पास कुछ वॉइस नोट्स भी हैं हमारी जो मेरी फैमिली में या मेरे कुछ जानने वाले जो प्योरली पश्तो स्पीकिंग लोग हैं तो उनकी उर्दू भी कभी सबकी नहीं बड़े अच्छी नॉर्मल उर्दू भी अपने अपने उर्दू का रंग है हर इलाके का वो सही है बिल्कुल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा जो एक्सेंट है इन लोगों ने बनाया हुआ था और फिर मैंने इनको सुना देखा और मैंने भी सोचा हुआ था इस अंदाज में मैं बोलूँगा. So we just picked it up and we started and it was in fact very easy for me. मुझे पता नहीं, मुझे honestly बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी. अच्छा लेकिन ऐसे जब भी accent में बात कर रहे होते हैं ना तो usually जो उस area के लोग होते हैं उन्हें concern होता है. कभी कभी वो लोग थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि हम लोग इस तरह नहीं बोलते, आप लोग exaggerate करके बात कर रहे हैं. इस बार भी कुछ conversations ऐसी होना शुरू हुई तो आपका क्या point of view है कि क्या ज़रूरी है कि जब हम ऐसे कबायली इलाकों को दिखा रहे हैं कि हम उनका accent भी portray करने की कोशिश करें जब हम मे बी 100% उधर तक नहीं कर पा रहे और उधर के लोग भी थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं, या यू फील कि इसके बगैर भी चल सकता है एंड गोइंग फॉरवर्ड इस चीज़ को हम थोड़े डिफरेंट तरीके से देख सकें? मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों तरह से कर सकते हैं. और ये आपके अपने प्रोजेक्ट हेड की और सब लोगों की जो डिसीजन होता है, डायरेक्टर्स उनका डिसीजन होता है. और अगर उनको, क्योंकि आपको दोनों तरह के लोग मिलेंगे ना वहाँ पर, जैसे आपको अगर आप कराची में 10 तरह तरीके से उर्दू बोली जाती है अलग अलग और आपको किसको पोर्ट्रेट करना है तो वो आपकी चॉइस है. फिर आप अगर पंजाब में चले जाएं तो अंदरून शहर की पंजाबी डिफरेंट है और गांव की पंजाबी डिफरेंट है और जो शहर में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी उर्दू और पंजाबी डिफरेंट है. सो आपको कौन सा माहौल दिखाना है. फिर आप बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं,
तो बहुत से मेरे सिंधी यहाँ के लोकल दोस्त हैं जो अभी भी उनके अंदर एक हल्का सा सिंधी एक्सेंट आता है जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है, बल्कि मैं वो जब बोलते तो मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और कुछ लोग जो यहाँ बहुत देर रहे उनकी उर्दू भी, मैं हमारे PTV के एक डायरेक्टर हैं अमजद शाह साहब, ही इज़ फ्राम सिंध, बट मैं उनसे उर्दू सीखता हूँ यार, वो इतनी खूबसूरत, मैं उनके साथ ट्रांसमिशन करता हूँ, इतनी ज़बरदस्त उर्दू सिखाते हैं मुझे, ऐसे ऐसे लफ्ज़ बताते हैं। तो इसलिए ये तो आई थिंक हर इलाके में हर तरह के, मैं जब कराची आया था, जब शिफ्ट हो, मुझे अभी भी याद है कि बदो आपा ने मेरी बहुत से लफ्ज़ उर्दू के, मैं जैसे पसंद हम एक लफ्ज़ है तो वो मुझे बोलती थी ऐसे तुम ना पसंद बोलते, तो मुझे लगा कि लाहौर में सारे शायद पसंद बोलते हैं, तो मैंने पसंद सीखा हुआ है, मुझे लगा ऐसे मैंने कहा बदो आपा बदर खलील की बात करो, हमारी बहुत स्वीट हार्ट है। तो ये एक्सेंट तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको पर्सनली लेना चाहिए। हाँ, जो किसी की बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट कर रहा, अगर टारगेट कर रहे हैं आप किसी को और किसी को आप मजाक उड़ाने के डिग्रेड कर रहे हैं तो वो गलत है। आपको आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी की लैंग्वेज या एक्सेंट बेस्ड या किसी चीज़ पे आप किसी का मजाक उड़ाएं, या उसको ये नहीं आता तो वो कमतर है, या उसको वो आता है तो वो बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंडिविजुअल इंसान, जो कि पूरी दुनिया में आप देखिए कि मुख्तलिफ, आप चाइनीज़ को देखिए वो तो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, उनका तो हम कभी मजाक नहीं उड़ाते, आप फ्रेंच लोगों को देखिए उनका वो अपनी लैंग्वेज को में बहुत वो प्राइड लेते हैं, तो हम सो I mean it's okay, but you're not supposed to make fun of people. ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि in fact it's an honor मुझे लगता है, लेकिन बस वो ही थोड़ा सा उन लोगों को concern होता है, हम भी तो इस topic पे बहुत बात हो रही थी तो मेरे पास in fact मेरे पास messages कुछ अभी भी मौजूद हैं। अभी recently हमारी family member हैं, बहुत close friends भी हैं, तो उन्होंने मुझे बड़े messages किए, उनकी पूरी family ने। They all Pashto speaking people. Okay, so they were nice. Constantly messaging. Appreciating. Yes. Okay, that's very nice They to were hear. totally appreciating. So in fact, I also had their messages which I would like to share a Please voice out that. With you right away. Okay. कोई और voice out ना खोल जाए ना जरा मुझे पहले work. That would be fun. هم نشی ڈراما کې چې کوم د درخزی کردار دی هغه خو ډیر ډیر لا جواب دی هغې کې ټولو ډیر ښه کار کړی دی امروز لالا ډیر ښایسته کار کړی دی پکې او ډیر ښه کار کوي ښه جستا هغه ډیر ښایسته کار کوي او ډیر ښایسته وایي خو درخزی چې دی هغه لا جواب کار کوي امیزنګ بریلین پښتو اکسن او هغه اک چې کوم کوي د پښتنو هغه اکشن چې کوي او څنګه چې هغه یې غوسه کې راځي جذباتو کې راشي ایموشنل شي هر ټول سیزونه درغځۍ کوي او درغځۍ یو روایتي الک دی پښتنو کې او چې دا په پښتنو مونږ پښتنو کې ټولو کې دا روایتي الک ډېر زیات دي نایس امیزنګ همنشي ڈراما کې چې درغځۍ مور مور کوي نو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں احسن بھائی کہ ہم نشی ڈرامہ میں جو بھی مطلب ماں کو مور سے پکارتے ہیں نا تو یہ ہم سب میں ہے کیونکہ ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ماں کو امی مما ممی سے بلاتے ہیں لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہم مور بلاتے ہیں جیسے میرے بچے لندن میں یہ پریشن کر رہا تھا That's so nice. So ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा आप जो भी देखेंगे एक फीडबैक नहीं, इस तरह का बहुत फीडबैक मुझे मिला। हमारी कोशिश है कि अच्छा करें, और कभी भी मैं इस हक में नहीं हूँ क्योंकि मैं आई माई सेल्फ फ्राम द फादर साइड ऑफ द फैमिली आई एम ए पठान एंड फ्राम मदर साइड ऑफ फैमिली आई एम ए पंजाबी, सो हाउ वुड I would never prefer and I would never agree to it کہ آپ کسی بھی culture in fact I feel so proud کہ جو ہماری family ہے وہ اتنی زبردست ہے اور ہمارا culture پٹھانوں کا اتنا amazing ہے اور آپ کسی بھی culture میں چلے جائیں it's brilliant یار آپ بلوچی culture ہم تو شہروں میں اور سکولوں میں تو ہمیں وہ بتایا ہی نہیں جاتا میں سمجھتا ہوں کہ explore کرنا چاہیے اور ان کی life اور ان کے جو experiences ہیں ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے میں تو پشاور سینٹر میں پشاور سینٹر جو PTV کا ہے میں نے دو سیریلز بھی کیے ہیں میں وہاں سے
So I've lived in Peshawar also, और तो इसलिए मेरा तो एक experience होगा. हाँ बिल्कुल ऐसा है. नहीं thank you so much for sharing this note. ये इतने मज़े का था. I just loved hearing all the feedback जो वो दे रही है. This one I have 20. I can't so many. लेकिन just to clarify, we didn't mean कि आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं या आपका intention बुरा करने का नहीं. And why would we? ऐसा नहीं था. We were सिर्फ एक concern ही हो रहा था कि कुछ लोगों को लग रहा था कि accent शायद ऐसा नहीं होना चाहिए. But different point of views हो सकते हैं. एक चीज़ notice करें कि हम क्योंकि हम एक ही शहर में हम सब लोग ड्रामे ज़्यादा बन रहे हैं. ठीक है मोस्टली कराची में. तो हम मोस्टली कराची को ही केटर कर रहे होते हैं ना. यू हैव टू आल्सो रिप्रेजेंट शो. ये हमारा काम है. थ्रू हमारा ड्रामा पूरी दुनिया में जाता है. और मैं जब मुझे हजारों पचासियों लोगों ने पूछा कि यार ये कहाँ शूटिंग हुई है. यानी लोगों को मालूम नहीं था कि सवात का एरिया इतना हसीन है. इतना हसीन है तो आप देखिए कि हम तो अपने प्ले और अपनी इन चीजों के थ्रू वी आर आल्सो प्रमोटिंग और या लाइक टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं और इलाके दिखा रहे हैं. आप लोग गुडविल एंबेसडर्स. सो इसी तरह आप हम मैं समझता हूँ कि थोड़ा टेलीविजन और फिल्मों में थोड़ा टिपिकल जैसे आप लॉयर दिखाएंगे ना तो उसने काला कोट और सफेद कमीज पहनी होगी. भाई लॉयर बगैर बगैर नॉर्मल अपने यूनिफॉर्म की भी हो सकता है ना. एग्जैक्टली. तो हम लार्जर देन लाइफ हम ये थोड़ा दिखाते हैं. हम थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं लेकिन वो टिपिकल हो जाता है. तो आई थिंक इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि किसी को हम नहीं नहीं बिल्कुल हम कह भी नहीं रहे कि आप लोग कर रहे थे. बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नोट. अच्छा मुझे ये बताएं दरगज़ई जो है वो थोड़ा बीच में अब्यूसिव भी हो जाता था फजस्ता की तरफ राइट. तो फिर अब हमने उसको हीरो बना दिया है तो आपको लगता है ये मैसेजिंग सही है. अच्छा मुझे आपने अब्यूसिव कैसे मतलब उसका बाजू पकड़ा था उसने बाजू पकड़ा एक दफा होते में उसको धक्का भी दिया. मैंने फिर एक दफा पकड़ के हाथ वो जब वो गन उस पे हाथी पे करता है. अच्छा, कैंप लगा होता है वो बिल्कुल सही कह रही है. ओवरऑल बिकॉज़ ये कन्वर्सेशन बड़ी होती है ना कि सिर्फ थप्पड़ मारना नहीं. इट्स बेसिक रवैया. नहीं मारा. नहीं नहीं वो नहीं मारा. लेकिन होता तो फिर तो आपको छोड़ते नहीं लोग भाई. अगर होता भी तो शायद अगर कैरेक्टर की डिमांड ना होता बहुत स्ट्रिक्टली डिमांड ना होता तो मैं मना भी कर देता. जैसे कयामत में मैं एक अब्यूसिव हस्बैंड दिखाया है तो मैं उसमें एक गलत तरीके से अमर खान और नीलम के साथ बिहेव करता हूँ. इसमें अब्यूसिव नहीं दिखाया इमोशनल दिखाया. और आई थिंक व्हेन ही गेट्स ओवर इमोशनल दिस कैरेक्टर डज गेट कैरिड अवे. ही कैन होल्ड हैंड. आप भूल जाते हैं कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है. जैसे अभी मैं अपने बच्चे को थोड़ा कभी अकबर और शाहजहां उस अभी परसों की बात उसको मैंने पता नहीं क्या किया तो कहता बाबा आपके लिए नॉर्मल होता है लेकिन आपको बहुत जोर का लगता है यार आपको पता नहीं चलता बाबा. मैंने कहा अच्छा यार मैं तो आराम से तुझे हाथ लगा. सो वो जज्बात में आके उसने बाजू पकड़ा और उसको गैर आदमी वो उसको आके भड़काता भी है. सो आई थिंक और बिल्कुल वो कोई ऐसा जस्टिफाइड एक्ट नहीं. उसमें माँ भी आके बोलती है क्या कर रहे हो. बाप भी बोलता है कि क्यों हाथ लगाया. भाई भी बोलता है क्यों हाथ लगाया. तो हमने उसको स्क्रीन पर ये नहीं दिखाया कि ये जो कर रहा है कि ऐसे सब लोग करें. जस्टिफाई नहीं किया और वो उस कैरेक्टर के लिए उसने किया. बट इट वॉजेंट जस्टिफाइड टू द फैमिली इज नॉट अब्यूसिव फैमिली. दे डोंट दे आर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड देयर प्रोग्रेसिव. वो चाहते हैं कि घर में अस्पताल भी खुले और ये खुद भी चाहता है कि अस्पताल खुले यार. यू नो और आप एक और बात एक आम इंसान के तौर पर सोचिए कि जिस तरह दरगज़ई की सोच विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही है इस तरह मेरी आपकी भी सोच चेंज होती है. मैं शायद 10 साल पहले कुछ और सोचता था. आज कुछ और सोचता हूँ. तो वो दरगज़ई इम्प्रूव हो गया बेचारा पहले से. ऐसे लोग चेंज हो जाते हैं. गैरत को पीछे कर लेते हैं वो. आपको लगता है दरगज़ई अगर उनकी कॉम्प्रोमाइज ना हो रही उनका उनकी जो इकदार जो भी उनकी वैल्यूज होती हैं अगर कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो तो चेंज हो जाते हैं. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल जो अभी आजकल हम लोग आपस में भी करते हैं रिव्यू करते हुए और ये आता भी है और इस पर हमने इंस्टाग्राम में भी पोस्ट लगाई थी कि खुजस्ता के लिए एक तरफ हादी है और एक तरफ दरगज़ई है. सो हादी उसके दिल की आवाज़ है और दरगज़ई वो बचपन की कमिटमेंट है. और नहीं थोड़ा थोड़ा दरगज़ई को पसंद नहीं करते. मैंने देखा उसकी आंखों में जरा है चूड़ियां फूल और कुछ. खजस्ता ने बड़ा कमाल ये किया है कि वो लोगों को उससे कंफ्यूज छोड़ दिया है कि यार ये इधर भी यूं करके देख रही है. वो जो खजस्ता से देखती ना यूं करके उधर भी यूं देख रही है. फिर वो वाला सीन पसंद किसको करती है भाई. कहती है मैंने तो इसलिए निकाला था कि तुम्हें पता होगा कि ये कलर तुम पे सूट करता, सूट करता है ब्लैक कुर्ते वाला. वो क्या लाइन बोल के गई. क्या लाइन बोल गई. अच्छा और उसके बाद यूं भी करके गई उसे. आई नो बट शी इज वेरी शार्प. शी नोस कि उसने दरगज़ई को मैनिपुलेट कैसे करना है. उसने कहा बेटा मैं बताती हूं. इस पे कभी ना बोलना कि दोनों को मैनिपुलेट कर दिया. इस पे नहीं बोलोगी मैंने बाजू की पकड़ा. इस पे बोला उसने गलत. उसमें नहीं दोनों को लारा. हम कहते लारा लगा दिया. समझती ना लारा क्या होता है. इस बेचारे को भी लटकाया है उसको भी लटका दिया.
अच्छा तो मेरा सवाल ये कि व्हाट डू यू थिंक खजस्ता शुड डू, शुड वो दिल की आवाज़ सुनकर हादी के साथ चली जाए या वो दरगज़ई के साथ अपनी कमिटमेंट को ऑनर करे, क्योंकि ये करने से वो आगे आने वाली सारी जनरेशन के लिए भी दरवाज़ा खोल देगी और शायद वहाँ की जो तरक्की है उसको भी हेल्प कर सके। आप खजस्ता को क्या एडवाइस देंगे? लेकिन हादी उसके दिल की आवाज़ है और वो हमेशा खुश रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि खजस्ता जब जो कैरेक्टर है, देखो आप पर्सनलाइज हो के अपने नहीं, नहीं, में, ऑफ कोर्स, नहीं, नहीं, हम जो कैरेक्टर है उसमें जब खजस्ता काम शुरू कर रही होती है पढ़ने के लिए, जब रिक्वेस्ट कर रही थी घर में, तो कहती है मैं कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदा ना पड़े। शी नोज हर बाउंड्री एंड नॉर्म्स एंड शी इज एंगेज एंड कमिटेड टू समबडी, सो शी वुड आल्सो व्हाइल गोइंग आउट फॉर हर स्टडीज शी वुड आल्सो शी शुड बी एज अ डिसेंट लाइक जो अपनी कमिटमेंट के साथ चलेगी, तो शी शुड बी नोइंग कि मैं जब बाहर निकली तो मैंने बोला कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। हाँ, अगर उसको ये लगे, अगर उसका दिल ये चाहे कि बहुत ही वाहियात इंसान है दरगज़ई, तो फिर उसको एक सेकंड में नहीं सोचना चाहिए उसको छोड़ते हुए। यानी एक लड़की की मर्जी होती है यार कि आपको कौन ज़्यादा इज्जत दे रहा है। मुझे लगता है कि इज्जत एक बहुत बड़ी चीज़ है, इंसान आप दुनिया की हर चीज़ छोड़ देते हैं अपनी इज्जत की खातिर। तो एक लड़की को और एक पढ़ी लिखी लड़की और जिसकी कोई से हो और ना भी हो, आई थिंक उसकी चॉइस बहुत ज़रूरी है। ये तो यार हम इसके अलावा तो कुछ सेकेंड थाट है ही नहीं। बट एज हर कैरेक्टर, मुझे लगता है थोड़ा सा कैरेक्टर में एक वो आएगा अगर ये डायरेक्टली जाके कह देती कि मुझे शहर में शादी करनी है। बिकॉज व्हेन शी लेफ्ट हर हाउस शी सेड कि आई विल नॉट, मैं आपको एम्बैरेस होने दूंगी। तो वो जब अगर बचपन में कमिटमेंट तोड़ेगी तो वो एक इस ख़ानदान की जो रवायत है उसके मुताबिक कोई गलत हरकत मुझे भी यही लगता है, मुझे भी लगता तो है। बट अदरवाइज मुझे ये भी लगता है कि उस दरगज़े की वो इम्प्रूवमेंट भी देख रही है, तो वो ये भी सोच सकती है कि यार ये तो आज से 4 साल 3 साल पहले 1 साल 2 साल पहले कुछ और था, अब कुछ और है। लेकिन उसको हादी भी पसंद है, तो मैं आई एम विद खजस्ता इस मामले, जिस मर्जी को चूज करो यार। ये तो ऐसे जो दरमियान से निकल गया। नहीं, एक्चुअली मैं अगर मुझे आप ये बोलो कि मैं डिसाइड करूंगी खजस्ता, नहीं, आप खजस्ता को क्या एडवाइस करेंगे? मैं ये एडवाइस करूंगा कि जो दिल कहता है वो करो, जो दिल कहता है वो करो। और मुझे लगता है खजस्ता एक ऐसी कैरेक्टर दिखाया है कि जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है वो अपनी वो इमोशनली बह नहीं जाएगी, वो शीज नॉट टेम्परेली बह जाने वाली लड़की। सो वो उसकी कैरेक्टर के लिए भी नुकसान है अगर वो बह जाए तो। शी हैज टू डिसाइड एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन हर फैमिली आल्सो। अच्छा, फैन रिएक्शन क्या है अभी तक? कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई किस्सा सुना सकते हैं? मैं जो आप इसका फीडबैक की फीडबैक और जब वहाँ पे भी आप लोग कर रहे थे तो इतने फैंस जो मिलने आ रहे थे उधर, कुछ मजे की बात हुई या ओवरऑल भी दरगज़ई पे लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो आई एम गेटिंग ग्रेट फीडबैक, आई मीन आई वाज मोर देन एक्सपेक्टेड। मेरे कैरेक्टर की जो ये माशाल्लाह मेरा आई मीन मुझे उडारी में जब हुआ था तो कैरेक्टर की डायलॉग्स मशहूर होना, लोग मीम्स बनना, हुआ था उस, और हाँ, वीडियोस बनना। तो उसके बाद एक मैं सोचता था कि शायद एक्टर की लाइफ में ये एक आधा ही दफ़ा होता है ऐसे कैरेक्टर्स, बट कयामत में हो गया दोबारा से। कयामत में जब हुआ वो शलवार उठाना और वो पूरा एक्शन, तो मैंने कहा यार ये तो कैरेक्टर बड़ा लोगों को पसंद। अब इसमें दोबारा हुआ कि पीपल आर लविंग द कैरेक्टर। फिर मैंने एक दो और भी कैरेक्टर्स, तो अब आई मीन आई फील ब्लेस्ड व्हेन दिस हैपेंस बिकॉज़ इट डजंट हैपन in every drama and everybody can't feel what I'm saying right now that your character gets so popular. Yes. So wo Dargzai ka jo mujhe to logon ne jab maine aapko video voice note suna is tarah ke 85 mein mere paas people are loving the character, they think he's so good and he's performing well, his accent is good and his clothing aur har cheez logon ko माशाल्लाह ग्रेट फीडबैक। बाहर जाते हैं तो बोलता है दरगज़ई दरगज़ई। हाँ, दरगज़ई वो कहते हैं ऐसे बोल के दिखा दो। अभी आपने जैसे बोला कि आप उस एक्शन में बोल दें, तो मैं तो जिस भी शो में गया हूँ या कहीं भी गया हूँ तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उस तरह से बोल दें। अभी आप और हिबा जब बाहर भी थे, वो भी मैंने वीडियो देखी, बड़े मजे की वीडियो थी, वो सो क्यूट, आई रियली लाइक द वे आप जो टीज कर रहे थे हिबा को, इट वाज फन। वो लोग बड़ा, आपने नोटिस किया, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे। आई नो अ लॉट ऑफ बिकॉज़ वी वर, हमारी प्रेजेंस थी, तो एज एक्टर्स हमारी
प्रेजेंस से लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ वो रिलेट करते हैं ना जो कैरेक्टर देख रहे हों. दे वांट पिक्चर्स विद अस, दे वांट मीट अस, एंड दे आर थिंकिंग उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वो उन्होंने जब मुझे और हिबा को देखा ऑस्ट्रेलिया में तो वो उसी मूड में थे एंड दे वर रियली एंजॉयिंग. अच्छा, और ये होता है ड्रामे में तो आप दोनों जरा अखड़ अखड़ है ना, और उधर हम अखड़ उधर आप दोनों मजे से. वो हिबा थोड़ा सा शर्मा भी गई, आपने भी उनको टीज किया, तो वो एक मुझे लगा थोड़ा सा वो कैरेक्टर में रहते हुए कैरेक्टर से बाहर भी आप लोग निकले. इवन आई वाज एंजॉयिंग इट जब आपने एकदम से वो लाइन बोली ना उस एक्सेंट में, था यार ये तो बड़ा मजा आ रहा है, मैं भी देख के हंस रही थी. सो इट वाज फन. बट आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट, आई थिंक मेरे हमनशी इज सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट. यूजुअली होता है कि एक या दो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम नोटिस करते हैं या जिनसे हमें कुछ मैसेज मिल रहा होता है. इसमें तो सब मल्टीपल मैसेजेस एंड द फैक्ट दैट कबायली इलाके को इतने खूबसूरत तरीके से रिप्रेजेंट करके फिर जर्नी दिखाई है उन कैरेक्टर्स की, जैसे आपकी है अमरोज की एक जर्नी है, अमरोज की बीवी की, एंड और ऐसे हैं कि मतलब हम एक भी कैरेक्टर को देखते हुए बोर नहीं होते. एंड यू गाइस डिड एन अमेजिंग जॉब, सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट. मैं किसी भी, हालांकि दो एपिसोड्स आती हैं हफ्ते में, मैं बोर नहीं होती. तो कहानी जो होती है ना मूव कर रही है, मूव कर रही है, कभी ये हो गया कभी वो हो गया. एंड एक्चुअली मैं अभी एहसन से ये बात करी थी कि प्रोमो में मैंने ये देखा है दरकज़ई को कुछ हो गया, तो एहसन बस मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, तो मेरे दिल को कुछ हुआ कि दरकज़ई को कुछ हो ना जाए. सो ये जो है ना वो बड़ा अच्छा एक बिल्डअप है. शुरू में लोग कहते थे ये तो भाड़ में जाए दरकज़ई, लेकिन अब ग्रेजुअली लोग कहते हैं यार ये इसको कुछ नहीं. कैसे अमेजिंग ना, दे फॉल इन लव विद द कैरेक्टर. दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू कैरी दिस. ट्रू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अब एज अ व्यूअर यू कांट अंडरस्टैंड द work behind it, yeah. but then itna hi hamare liye kafi hota hai ki people fall in love with the character and they appreciate our work, yeah. because hum to main samajhta hu ki tamam actors jo meri field mein kaam kar rahe hain they work so hard for their projects and work. kuch mein bahut appreciation mil jati, kuch mein nahi milti, to lekin mehnat to dono mein jati hai. mehnat to hamari bahut zyada hoti hai, aisa nahi keh sakte ki mehnat nahi hai. aur honesty ke sath main to bahut डेडिकेशन के साथ ना काम नजर भी आता है ऐसे. अच्छा, तो दरकज़ई के जर्नी से आगे जो कुछ होगा आप खुश हैं उससे, सेटिस्फाइड हैं? आई एम नॉट आस्किंग यू क्या होगा, बट हाँ आई थिंक यू थिंक वी आर गोना लव इट, वी आर गोना बी हैप्पी विद इट. हाँ, यू गाइस आर गोना बी सरप्राइज्ड क्वाइट. वो इट कुड बी एन अनप्लेजेंट वन, इट कुड बी अ प्लेजेंट वन फॉर समबडी. ओके, सो इट्स लाइक आई डोंट नो कितने. मैं तो बहुत यू नो होपलेस रोमांटिक काइंड हूं, मुझे तो बस हैप्पी एंडिंग्स, और मुझे जो दो दिल आपस में मिल जाए तो वो नहीं है पर्दे से दो दिल मिल रहे हैं, मैं तो वो वाले दो दिल मिल जाए बस. मुझे ना कोई बीच में जालिम समाज. अभी आप देखें ना कि निकाह अगर दोनों का तय पा रहा है और शादी हो रही है, तो फिर शादी के बाद क्या सिचुएशन होती है, तो वो फिर थोड़ा है आगे मुश्किल सा, एकदम ट्विस्ट भी हैं, एक दो मेजर ट्विस्ट हैं, तो वो देखिएगा. तो आपने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दी है, मैं तो अब मेरा दिल चाह रहा है मैं भी जाके देखूं. हाँ, बस ट्विस्ट बड़ा ब्रिलियंट है उसमें. आई लव इट यार. चलें, वी कम टू फ्रॉड एंड अनदर ग्रेट प्रोजेक्ट. ओह गॉड, मुझे लगा इतनी लंबी बातें कौन सुनेगा. अब हम नए ड्रामे की बात शुरू कर रहे हैं. मैं क्या करूं, आप दो ड्रामे देखें और दोनों इतने मजे के. एंड फ्रॉड में मजे की बात यह कि विद इन अ ड्रामा you are doing dramas, you know, that's the best part. I love ke you know drama ke andar hi aapke different characters hain. maza aaya hoga bahut, ek different flavor hoga. acha, main aapko ek baat batana chahta hu, ye baat kyunki saqib director hain, sanjeeb ne likha, abdullah seja ji iske producer hain, to sab ne bahut mehnat ki hai, kahin pe compromise nahi kiya. again unki koshish ye thi ki wo ek acha project banaye, and I'm glad ki unhone ek acha project banaya जिसका टोन और जिसका स्टाइल टिपिकल रन ऑफ द मिल हमारा जो ड्रामा नहीं है. इट सेट्स अ डिफरेंट टोन व्हेन यू वॉच इट. इट्स अ डिफरेंट पेस्ट ड्रामा. इट्स अ डिफरेंट सास बहू नहीं है टिपिकल नहीं, बीच में नहीं. अच्छा, और सबके कैरेक्टर्स अगेन बहुत अच्छे. कुछ नए लड़कियां, कुछ नए लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन जिस मेरे जो कैरेक्टर में जो आप देख रहे हैं उतार और चढ़ाव, यानी मैं इंस्टेंटली अपने दोस्त का अगर पंजाबी बोलने लगा हूँ और अभी उर्दू बोलता हूँ और पॉश किस्म की वो तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा साकिब का और फिर मेरा इनपुट बहुत हमारा ज़्यादा है. मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ साकिब ने भी, क्योंकि कहा कि यार इसको यूँ रखते हैं ताकि ये एक फ्लेवर रहे उसमें, वरना मोनोटोनी हो जाती है ना एक ही तरह का वो कैरेक्टर है. क्योंकि शुरू में वो तीन चार एपिसोड में बड़ा वो सोफिस्टिकेटेड आदमी लग रहा था, अचानक से फिर उसकी वो अंदरून शहर वाली पंजाबी निकल के आई.
तो सी अगेन दैट्स अ टोटली, मैं आपको मालूम है दोनों को एक साथ ही शूट किया मैंने. वो जैसे ही ख़त्म कर रहा था तो ये मिडल में उसकी शूट करने आया, इसको शूट करके आई वेंट बैक टू सवार टू फिनिश दैट, देन आई केम बैक टू कंप्लीट दैट. सो ये दोनों प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली साथ चले और दोनों में आई थिंक दरगज़े का तो एक सिंगल टाइप कैरेक्टर है जो पूरा चला है, वेरी नॉट ईजी, वेरी ट्रिकी कैरेक्टर टू परफॉर्म ऑन. मतलब आपका एक ग्राफ होता ना कैरेक्टर का, आपकी लैंग्वेज, हर डायलॉग, हर सीन हो. और इधर भी मुझे दो तीन चीज़ों में स्विच करना था, तो वो ये भी मुश्किल काम है कि आप स्क्रीन पे कन्विंसिंगली स्विच भी कर जाएं. इट्स नॉट इजी बिकॉज़ वो एक कैरेक्टर नहीं है ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं. जैसे दरगज़े ही तो एक ही कैरेक्टर का ग्राफ चल रहा है, यहां तो डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं. बट इज इट फन और इज इट गेट वेरी चैलेंजिंग बिकॉज़ वहां दरगज़े ही फिर यहां क्या चैलेंज ना हो तो फिर क्या. बट डू यू एंजॉय इट या थोड़ा सा स्ट्रेस होता है? नो 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 यार, मतलब आप मुझे बताएं कि चैलेंज ना हुआ एक अदाकार के किरदार में, तो वो खाक किरदार लिखा किसी ने, फिर चैलेंज के बगैर तो मुझे नहीं लगा. आप हाउ कैन यू एंजॉय योर वर्क? चैलेंज एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्टिंग, यू नो, चेंजिंग, डूइंग मोर कैरेक्टर्स, डूइंग समथिंग न्यू, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. और अदाकारी जो शौक से करते हैं, मैं ऑब्वियसली हम अर्न तो करते हैं, लेकिन मेरा ये काम सिर्फ मैं सिर्फ अर्न करने के लिए, मतलब ज़रूरी है बहुत, लेकिन मैं अपने शौक के लिए भी, मुझे जो अदाकारी का शौक है उसको पूरा करने के लिए भी काम करता हूँ. एंड आई लव इट. जब आप कयामत का पूरा कैरेक्टर, मैंने पूरी टोन हर चीज़ खुद बनाई हुई थी उसमें, वो कपड़े पहनने, वो अब मैंने बताया. सो ये दिस इज़ माई, आई फील इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब एंड आई हैव टू डू दिस. फ्रॉड पे क्या रिएक्शन आ रहा है सबका? बहुत अच्छा. आई मीन अगेन मोर देन एक्सपेक्टेड अगेन. मतलब मैं इतनी, मुझे हैरत हुई कि उसमें एक वो मैं एक पॉइंट पे वो जो मैं बोलता हूँ अपना ही वो जो मीम है हेयर एंड देयर वाला, वो मैंने बोला तो उसके लिए मुझे लोगों ने क्लिप्स भेजे. अच्छा फिर मैंने एक पंजाबी गाना है बड़ा मशहूर, तेरियाँ लपेटा पाल है तेरियाँ, एक गाना है. तो वो मैं जब लड़के को कहता हूँ उसको ज़रा जफ्फा डाल ले लपेटा पाल, तो मुझे लोगों ने ये बताया यार आपको ये गाना आता. मुझे नहीं मालूम था लोगों को ये गाना, आपको भी नहीं मालूम होगा ये गाना. मुझे नहीं पता, मैं आपको सुनाऊंगा गाना, फिर आप बोलेंगे कि ऐसे तुमने कैसे सुना था ये गाना. सो वो ये छोटी छोटी चीजें लोग नोटिस करते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि यार पर्पस सर्व्ड, मेहनत जो की है वो लोग नोटिस कर रहे हैं माशाल्लाह. मुझे ना सबसे मजे की बात, सबसे अच्छी बात ये लग रही है, अटेंशन टू डिटेल्स. मतलब इट्स अ कहानी, एक तो कहानी बड़ी डिफरेंट है फ्रॉड की, इट्स नॉट द टिपिकल कहानी जो हम भी देख देख के बोर हो चुके हैं. इट्स वेरी, इट्स सो एक्साइटिंग कि वो अच्छा ये ग्रो है एक जो लोगों को धोखा देके कर रहा है, लेकिन उसकी भी प्लानिंग. यूजुअली ऐसी चीजों में ये होता है जब डिटेल नहीं करें तो वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं उस मेन आइटम. इसमें इतनी डिटेलिंग है, कैसे उसका जेवर निकलवा के उसको कैसे वो किया, साइन करवा लिया, किस तरह वो हवेली को वो करते हैं. तो आई रियली ये तो फिर वो साकिब और मैं जंजबीर और अब्दुल्ला को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट को मतलब जिस तरह से भी बुना और जिस तरह से भी वो पिक्चराइज कर रहे हैं साकिब, तो बहुत अच्छा. बस थोड़ा सा मुझे पेस थोड़ी स्लो लग रही है, आप देख रहे हैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, आपको लग रहा है अभी थोड़ी जरा ज्यादा. अच्छा मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि जब भी मैंने प्रोजेक्ट साइन किया था मेरे पास सिर्फ 10 एपिसोड थे, और क्योंकि सबा साइन हो गई, मिकाल हो गया, एंड डायरेक्टर साकिब गुड डायरेक्टर, लुकमान कैमरे पे बहुत अच्छा कैमरा पर्सन, अब्दुल्ला सेजा खुद बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, पहले भी इनके साथ काम कर चुका हूँ. तो जंजबील का नाम फिर आता, तो आपको ये मालूम होता है कि 10 एपिसोड कर ली तो आगे अच्छा ही होगा. अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कुछ सीन्स ज़्यादा डिटेल में होते, तो आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत शौक से डायरेक्टर्स पिक्चराइज करते हैं हर डिटेल को, और फिर वो एडिटर्स जो होते हैं वो उसको लगा भी देते हैं, तो शायद ऑडियंस के लिए कभी कभी वो थोड़ा लगता है कि लंबा है, लेकिन वो सबके बड़े प्यार मोहब्बत से किए हुए मेहनत का मतलब उसको जाया नहीं करता. ये भी होता है, आपने तो ये बोल के मुझे बिल्कुल चुप करा दिया. अब मैं इसमें क्या, लेकिन नहीं नहीं, योर क्वेश्चन इज जस्ट जस्टिफाइड बिकॉज आप ऑडियंस की एक पेस और वो जरूरी है उसको. Because I do feel like we do know कि if you feel you माया, I mean, और शर्जील का आप टकरा होना है, वो कहानी तो वो आप चाहते हैं जल्दी हो जाए. Yeah, because मुझे भी लगता है जल्दी पहुंच गए कि हम लोग देखना चाहते हैं उसको. We want to now know कि अच्छा क्या होगा यहाँ. अच्छा ट्विस्ट भी बड़े मजे के हो रहे हैं, लेकिन वो ट्विस्ट थोड़े से खिंच रहे हैं तो इसलिए हो रहा था. But still we are interested. No, अगर आप लोग as a viewer ये बोल रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई बात होगी. आप कोई उसका फैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं ऑडियंसेस का? क्रेजी उसका कोई आया, कोई क्या कर रहे हो ये वो, कुछ ऐसा आया?
नहीं, वो मुझे लगता है लोगों को ये भी अब हो गया कि ये तो करता ही नहीं कितने ज्यादा, तो लेकिन लेकिन कि आपको ऐसा नहीं मिल रहा, नहीं मिलता, लेकिन नहीं नहीं मुझे मुझे बहुत जगहों पे ख्वातीन ने आवाजें दी, फ्रॉडिये फ्रॉड। एक आंटी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे हल्का सा कहा इतने फ्रॉड तू कर रहा है लेकिन प्यारा बड़ा लग रहा है। मैंने कहा ये तो बात है। अब अभी भी कुछ और भी फैंस है जो इस तरह ही बोलते हैं कि सच अ नेगेटिव कैरेक्टर बट यू आर हीरो फॉर अस, यू नो लाइक, वो बड़ा अजीब लगता है अपनी तारीफें बताते हुए, लेकिन वो मुझे एज एन एक्टर अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू एंजॉय कि आपको लोग पसंद करें कैरेक्टर को लोग। और स्पेशली जो अभी मैंने वो एक गांव में मैं मूंछ लगा के चौधरी बन गया था अचानक से, उस पर बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यार अचानक से आपका एक वो चल रहा था डिफरेंट तरह का और उसी में आपने ये कर लिया। और वो स्टाइल और शलवार कमीज और मूंछ अलग थी, जो मैं अपने दोस्त के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ वो अलग बिल्कुल अभी जो है। और जो मैं शहर में जो सबा की फैमिली के साथ था वो अलग है। तो ये मैंने आपको जब बताया कि अंदरून शहर की पंजाबी और स्टाइल इज अलग, गांव की पंजाबी इज अलग, तो आई हैव मेड श्योर कि दोनों हैं, तो दोनों पंजाबी हैं वो, लेकिन फर्क पता चला आपको। और जहाँ पे वो एक अच्छी खानदान का पढ़ा लिखा लड़का बना तो वो भी लगता है कि, और वो भी बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एक नॉर्मल हम इंसान को देख रहे हैं जो हू इज ट्राइंग टू मीट अ गर्ल एंड इंप्रेस हर, यू नो, तो वो भी एक अच्छा चेंज आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है देखने का। अच्छा, हाउ वाज वर्किंग विद सबा कमर एंड हिबा बुखारी, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? दोनों सबा के साथ तो मैंने बहुत काम किया हुआ पहले भी, अब इतने अरसे बाद जब दोबारा कर रहे थे आप, बातचीत तो हमारी होती रहती थी, गपशप भी, बस कुछ ऐसा ऑफर नहीं हो रहा था आई थिंक दोनों को एक साथ के कुछ बहुत स्ट्राइकिंगली अच्छा हो, तो वी गॉट एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इन फैक्ट आई वाज, मैं और सबा तो हम बहुत अभी बात करते कि यार हमारे और सीन्स डाल दो यार, हमें इतना मज़ा आता है आपस में। आगे होगा ना टाकरा, आगे है टाकरा और बड़ा अच्छा। और सबा, यू नो, शी इज, आई मस्ट से के सबा एक बेहतरीन अदाकारा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और मैंने तो सबा को, क्योंकि मैं उसके करियर के शुरू से जानता हूँ, हमने शुरू में भी बहुत काम किया एक साथ, उसको तब से मिलता भी हूँ, तो मैंने उसकी ग्रोथ भी देखी है माशाल्लाह। ग्रोथ से मेरा ये मतलब नहीं होता कि आपके प्रोजेक्ट्स कितने हिट हैं, आप क्या, मैं एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। उसकी एक्टिंग स्किल, उसका काम, उसका टैलेंट इज माइंड ब्लोइंग, शी इज ब्रिलियंट, बियॉन्ड ब्रिलियंट। हिबा के साथ आपका पहला प्रोजेक्ट है? हिबा के साथ तो मेरा बिल्कुल पहला प्रोजेक्ट है, पहला इनकाउंटर। और हिबा को भी मैंने ये बोला कि हिबा इतनी अच्छी हैं कि शी इज सच अ गुड एक्टर कि मुझे लगा नहीं कि हिबा 10 साल पुरानी अदाकारा नहीं है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अभी रिसेंट डेज की वो हमारी अदाकारा है, बहुत अच्छा काम कर रही है हिबा। और शी इज़ वेरी मेच्योर इन वर्क, शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आई थिंक शी इज वंडरफुल। एक दो अब ड्रामों से हटके मैं आपसे सवाल करना चाहती, आपका वो जो लाइन थी हेयर एंड देयर वाली, बड़े मजे की लाइन थी, कितनी वो कर्टसी में आके बोले बड़ी मजे की, तारीफ कर देंगे फिर बाद में, क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगी, नहीं पूछ रहे, कोई बात मैं बता नहीं, मैं आपको भाई जो मेरा सवाल है मुझे वो पूछने देना। मेरा सवाल ये, आई एडमायर दैट यू ओन्ड इट अप एंड यू लाइक यार एवरीबॉडी इज हैविंग फन, आई विल आल्सो हैव फन, हाउ डू यू डू इट? What does it take कि आप अपने ऊपर ही मुस्कुरा सकें? मुझे एक बात बड़ी सबके साथ join कर लें, because I want to learn that. नहीं, मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है लोगों की जी, कि अक्सर लोग आपको अपने तौर पर जज कर रहे होते हैं जी, और अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि जो हम इसके बारे में सोच रहे हैं ये भी अपने बारे में वही सोच रहा होगा। और अक्सर लोग ये भी सोचते हैं कि ये यहाँ पे पहुँचना चाहता है, ये बनना चाहता है या बनना चाहती है। मैं आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग कि एक मिसाल है कि मुझे अगर आप कंपैरिजन किसी से करेंगे ना, तो दैट्स द वर्स्ट थिंग, कंपेयरिंग यू मी और एनी एक्टर्स, और ये जो अक्सर शोज में आके सवाल पे भी कंपेयर करते हैं ना कि आप उसके साथ वो बेहतर हैं या वो बेहतर हैं, मैंने तो नहीं पूछा था, नहीं आपने पूछा, मैं इट्स द वर्स्ट थिंग टू, आई माइट हैव सेड दैट इन सम शो, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होता है, हम बोल देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी अपना अपना जहाँ उन्होंने पहुँचना है वो अपनी अपनी जगह है। आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी और मुझे बुरी लग रही होगी, इनको की बहुत बुरी लग रही होगी मुझे ठीक लग रही होगी, तो इसलिए हर एक को जो वो है उसको उस हिसाब से खुश, अगर वो है वो अपने ज़हन में अपने तौर पे, देयर फाइन, लेट देम बी फाइन। सो वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग के
वो इस बात से बुरा महसूस करोगे, वो इस बात से अच्छा महसूस करोगे। हर कोई अलग अलग तरह से सोचता है। आप यकीन करो कि ये जो 4-5 साल पुराना वीडियो था और ये एक जो जैसे ये मेरे सामने कैमरा पर्सन है, वी वर एट एन इवेंट जहाँ पे कुछ और सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर्स नहीं थे, इंटरनेशनली और भी, लेकिन एशियन एक्टर्स थे सारे। सो मुझे कैमरा मैन ने रिपीट करने का बोला कि आपने ये बोलना है कि यूर डोंट जस्ट से यूर एन एशियन एक्टर, बिकॉज यहाँ पे हम एशियंस एशियन एक्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं इधर। सो कुछ इंडियंस थे, कुछ और जगहों के लोग थे, तो आई सेड फाइन जस्ट से इट, सो आई रिपीट इट, एंड देन आई रिपीटेड एंड आई रिपीटेड ट्वाइस और थ्राइस, एंड ऑब्वियसली वो रीसर्फेस कर गया 4-5 साल बाद। और पहले एक दो दिन तो वो जब मुझे टैग होता रहा तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने कहा यार ये क्या टैग, यू जस्ट लाइक ये क्या है, नहीं वो फैसल मेरे साथ होता है ना माइंड मैप फैसल के पास, तो मैंने उसे बोला फैसल, तो उसने कहा यार कुछ भी नहीं है अब क्या है, तो सर्फेस री, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से निकला ये, मैंने कहा चलो आ रहा है। 2-3 दिन बाद वो उसको मैंने इतना उसके इतने मजे के मीम्स बनना शुरू हुए कि मैं तो सुबह जब उठता था मैं देखता था आज कितने बने हैं यार, क्या बन रहा है आज, क्या दूसरे तीसरे दिन मुझे ख्याल आया क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे पास सुकैना माय डॉटर, बाबा व्हाट वाज दिस, मेरे स्कूल में आज सारे बोले थे हेयर एंड देयर, मेरे कम हेयर सेंड अकबर, अकबर भी हंस रहे सारे देख रहे हैं, एंड देन वी मेड अ स्मॉल वीडियो एंड वी जस्ट फ्लोटेड दैट, एंड आई थिंक आई एंजॉयड इट मोर देन एनीबडी एल्स, बट इफ समबडी थिंक्स दैट दे वर आई वाज गेटिंग एम्बैरस्ड और मेकिंग फन ऑफ मी, आई वाज नॉट गेटिंग एम्बैरस्ड, मैं अपनी किसी मॉरल गलती पे एम्बैरस होऊंगा। आपने कितनी खूबसूरत बात, मैं अपनी किसी लैंग्वेज या किसी और बात पे क्यों एम्बैरस हूँ, मैंने अगर किसी के साथ गंदी हरकत की है या बहुत मैंने चोरी की है और मैंने डिसऑनेस्टी की है और मैंने किसी का माल लूटा है या मैंने किसी का हक खाया है, तो मैं तब एम्बैरस होऊंगा। मैं अपनी मॉरल गलती पे, मैं ये समझता हूँ कि आप एक दूसरे की पर्सनैलिटी ट्रेट कपड़े लैंग्वेज बालों का स्टाइल ये फ़लां चीज़ इन पे एम्बैरस होना और दूसरों को एम्बैरस करना बंद कर दीजिए, फ़लां इतना मोटा हो गया, फ़लानी लड़की यूं हो गई, फ़लानी बुड्ढी हो गई, भाई आपको किसी को क्या तकलीफ़ है, इफ़ पीपल आर वर्किंग हार्ड फॉर टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर लेट देम वर्क, यू डू योर वर्क। आपने अगर किसी को शर्मिंदा किसी को करना है या किसी को होना है तो अपनी मॉरल गलती पर शर्मिंदा होइए, और मुझे नहीं लगता कि कुछ किसी ने गलती से कुछ बोल दिया, आपके स्लिप ऑफ कुछ हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दी, कुछ लैंग्वेज मैंने ख़राब बोल दी, तो क्या है यार, मैं इस बात पर शर्मिंदा नहीं, ना मैं कभी होऊंगा, क्योंकि मैंने कोई डिसऑनेस्टी नहीं की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि मैं आपको भी बोलूँ कि आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, उस दिन ना आपको क्या हुआ था, भाई आपको क्या पता आपकी तबीयत ख़राब थी, आप सुबह उठी तो यू वर नॉट फीलिंग वेल, यू हैड अ बैड डे, यू वर depressed last night and I'm digging, मैं ये क्या मतलब क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ बातें, you know, do you understand my point? Oh, I understand. I'm emotional. आपने मुझे, I'm not joking. I'm so impressed and thank you so much. मैं दिल से आपसे कह रही हूँ शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत बात बोली है. आई थिंक मैं शायद ये सोचती थी लेकिन मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे जिनको उस सोच को वर्बली एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने कहा है कि यस वाई शुड बी एम्बेरस्ड ऑन समथिंग, कि अगर हम इंग्लिश को सही तरह प्रोनाउंस नहीं कर सकते, एम्बेरस तो हमें उस पे होना चाहिए जब हम किसी को साथ जाते हैं। आप देखिए पाकिस्तान में क्या तबाही मची हुई कि लोग एक दूसरे का हक खा रहे हैं, लोग किसी के फंड्स नहीं पहुंच रहे, फ्लां हो रहा है, ये हो रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, तो किसी आप उनको एम्बेरस कीजिए और हम उनको मिलकर करते हैं सब लोग, तो मॉरल जब आपने इतनी I don't know. I don't have words to tell you that you've inspired me. मेरी already I respected you, but और बढ़ गई है. नहीं मैं आपको चढ़ाने के लिए मैं because मुझे लगता है ये इतनी important बात आपने बोली है. ये बहुत ज़रूरत है लोगों को समझाने की कि भाई बस करें. हमारी वीडियो के नीचे comments आते हैं. I don't want to hear. अच्छा आप मैं वैसे आपको मालूम है कि मैं फिर मैं blog भी नहीं करता. नहीं आपके तो खैर बहुत ज़्यादा लोग होंगे. You won't have time. मैं तो छोटी सी. नहीं I just feel. You guys are doing wonderful. But I just feel ऐसा कि मैं अपने platform पे किसी के बारे में आपके अपने XYZ किसी क्यों नेगेटिव बात बर्दाश्त करूं, बिल्कुल सही, क्यों करूं ये उस इंसान की जब मैंने आपसे कोई नेगेटिव बात नहीं की है तो व्हाई शुड आई लेट इट बी। आप देखिए ना अभी कभी किसी
इन्हें महविश के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी मतीरा के बारे में कुछ बोलते हैं, कभी हुमायूं को बोल रहे हैं, कभी कुछ कभी, आप सब लोग बहुत जबरदस्त लोग हैं और बड़ी मेहनत से पहुंचे अपने अपने मकाम पे, एंड वी शुड सेलिब्रेट देम एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी फैलाएं यार जिंदगी में, और कितने मसले बट ये बताऊं कि मोस्टली पीपल लव अस, बहुत लोग प्यार भी करते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादातर, लेकिन ये स्कूलिंग या ये जो जरूरी है उनको बताना, जो थोड़े बहुत लोग एक दूसरे घरों में भी, हम लोगों की आदत है हम घरों में भी एक दूसरे के साथ एक कर रहे होते हैं कि आज ये क्या हो गया तुझे, या मुझे कह देगा आज क्या, और भाई आपको क्या पता कि घरों में भी होता है यार। तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और जो लोग इस तरह की हरकत करें जिससे दिल आजारी हो सकती है किसी की, उनको सिखाने की जरूरत है, चुप रह के अब और नहीं बैठ सकते, मेरा ये ख्याल। सही बात है, आपको जैसे सब लोग बोलते हैं दूसरे को बोलते। अच्छा एक चीज मैं जाने से पहले एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ऑल्सो लोग कभी कभी मुझसे ये सवाल करेंगे या किसी और एक्टर से ये सवाल करते हैं कि जो एहसन खान ने वो नेगेटिव में जो किया वैसा आप नहीं कर सके, या मुझे कहेंगे या जो उसने फिल्म में किया वैसा आप नहीं कर सके। ओ भाई मुझे वो नहीं बनना, मैं वो बनने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। अगर आपको वो लगता है कि वो आपका एक बेंचमार्क है, वो मेरा बेंचमार्क नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप समझ रहे हैं। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लेट पीपल डू व्हाट दे वांट, लेट देम बी व्हाट दे, और आप किसी की जर्नी को अप्रिशिएट करना सीखे लोग। एंड व्हाई वुड आई वांट टू सी यू एंड अनदर एक्टर डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग, आई नो आई नो आई वॉच योर ड्रामास बिकॉज़ मुझे पता है कि एक फ्लेवर एहसन खान डिफरेंट लेकर आएंगे, उनकी एफर्ट उनकी मेहनत मुझे पता है। एक चीज़, एक दो सवाल और जान सकते, माशाल्लाह से इतने साल आपकी शादी को हो गए हैं, बड़ी सक्सेसफुल माशाल्लाह से फैमिली बच्चे सब कुछ, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि जब शुरू में शादी होती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चे ज़िंदगी पे हावी होना शुरू हो जाते हैं ना, हर चीज़ का हिस्सा हो जाते हैं, तो आजकल मुझे ये मैं सोचती हूँ और क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू मैनेज और डू यू फील कि ये ओके है कि मियाँ बीवी जो हैं वो हर चीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करें, या आपको लगता है कि नहीं मियाँ बीवी को एफर्ट करनी चाहिए कि उन दोनों का अपना रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो, ताकि बच्चे तो उड़ जाएंगे, बच्चे तो चले जाते हैं, फिर वो जो डिस्टेंस आ गया होता है, मुझे अक्सर लगता है अक्सर कपल्स में वो भूल जाते हैं अपने आप को, अपना कनेक्शन, एंड फिर वो बाद में जाके चैलेंज हो जाता है। वेयर डू यू स्टैंड, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर विद द यंग कपल्स राइट नाउ? आई जस्ट फील के जेन्युइन होना अपने किसी भी रिलेशनशिप में बहुत जरूरी है। इफ़ यू फील लव फॉर समवन, then show that love. Okay. If you want to be close to somebody, be close to that person, because time flies. True. ये वापस नहीं आता time. और I also at the same time feel कि हमारे हम लोग बच्चों के लिए बहुत कुर्बानी भी दे रहे होते हैं parents. बहुत ज़्यादा और एक दूसरे के लिए भी कुर्बान, हमारी पिछली generation ने तो शायद they were not this open about the relationship और इतने close होते नहीं थे families में, अब के couples में ज़रा ज़्यादा physically भी they look more closer, they might not be mentally at times but they look more, the only thing what I would add here is के जेन्युइन अगर आपकी ऑनेस्टी जिस भी चीज़ में शामिल होती है ना, तो अगर वक्ती तौर पे आपको कहीं से कुछ गैप लग भी रहा होता तो इट कम्स बैक, वो जगह, वो कहते हैं ना अपनी जगह पे बैठ जाती है चीज़ ऑनेस्टी से। ऑनेस्टी का ये मतलब मेरा है कि आप जेन्युइननेस शो करें हर चीज़ में, इट्स बेटर देन, मच मच बेटर देन बीइंग फेक और हाफ बेक्ड, नहीं होनी चाहिए चीज़, आप ऑनेस्ट रहें, बेशक कम करें लेकिन जो आप ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्ट और जेन्युइन चीजों में, मैं आप देखिए ऑनेस्टी से जो मैं समझता हूँ कि काम और मेहनत और हर कोई करता है, लेकिन जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना और जो लोग जेन्युइन होते हैं उनके काम में, मैं ये मेरी पर्सनल ये एक व्यू है कि उसमें एक बरकत आ जाती है। True. और वो बरकत जो है ना वो आप एक्वायर नहीं कर सकते, वो एक्वायर नहीं होती इस तरह से, वो आपकी अंदर की सफाई और जेन्युइन होने से, ऑनेस्टी से आती है इस बरकत। वरना सब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, आप मैं हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन वो जो ऑनेस्टी है ना बस वो बरकत लेके आती है। रिलेशनशिप में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए हर चीज में, हर चीज में, आपकी हर चीज में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अभी बिफोर द कैमरा स्टार्टेड वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, यू सेड लोग फेलियर्स को ओन अप नहीं करते हैं, आई एम क्वाइट ओके टू, हम फिल्म से रिलेटेड बात कर रहे थे, आप मुझे एक बात बताएं, मैं बिल्कुल आपने सही बोला, मुझे आपकी स्टेटमेंट इतनी अच्छी लगी, एंड यही बात हमारी होती, मुझे लगा मैंने एसन से कहा भी कि आई थिंक अगर लोग ऑनेस्टली ये बात करते हैं कि हाँ हमने कोशिश की वो उतनी कामयाब नहीं हो सकी चीज़ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मे बी इन लॉन्ग, एक बात मुझे एक मिसाल दे दीजिए, एक मिसाल कोई ऐसा एक्टर दुनिया में दिखा दीजिए जिसकी
100% चीजें सक्सेसफुल हैं और अगर वो बहुत काम करते हैं या आप एक होगा ना, या आप एक सिंगर बता दें जिसके 100% गाने सुपर हिट हैं, बड़े से बड़ा नाम ले आइए, या आप 100% डायरेक्टर्स ले आइए जिनके 100% काम हिट हैं, आप 100% पॉलिसी मेकर्स ले आइए जिनकी 100% पॉलिसीज अच्छी हैं, आप किसी की मिसाल मुझे दे दें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है. ऑब्वियसली हमारा अगर आप एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात परफेक्ट है, हम जैसे आम इंसान तो वे नॉट इवन परफेक्ट यार, हम तो कुछ भी नहीं है, वे जस्ट ट्राइंग और हिट एंड मिस होता है. और मैं समझता हूँ कि जितनी आप आपकी अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं भी मेरा कोई प्रोजेक्ट अगर नहीं चलता, उसमें एक एक दिन जो मैंने मेहनत की है, अगेन आई वॉज ऑनेस्ट, इट विल हेल्प मी समवेयर एल्स, इट विल कम बैक, दैट ऑनेस्टी विल कम बैक. सो यू जस्ट, मेरा काम नहीं है कि वो कितना अच्छा जा रहा है या कम जा रहा है, खुशी ज़रूर होती है आपको आपका प्रोजेक्ट अच्छा चला जाए, यूर ऑफ द मून, यूर वेरी हैप्पी, और उससे ज़ाहिर है हमारा काम ऐसे कि उससे मज़ीद काम आता है, अच्छा काम जाने के बाद एक और काम आता है. बट देन जो काम बहुत अच्छा नहीं भी गया, उसमें अगर आपने अपना 100% दिया, ऑनेस्टी दिखाई आपने, तो दैट्स इनफ, आपने अपना काम कर दिया, वो बाकी डिसीजंस तो आपके हाथ में नहीं है यार. True, किसी भी चीज़ के बाकी तो अल्लाह के हाथ में. हाँ, तो आप ओन क्या छुपाना शर्माना क्या है? एक ड्रामा नहीं चला तो क्या हो गया यार? True. दो तो चल गए आपके. Yeah. आपके 100 प्रोजेक्ट में से 25 नहीं चले, आपके जो 75 चले उनकी तरफ तो देख के आप थैंक यू तो कह दें लोगों का भी और अल्लाह का भी. Yeah. कि यार आपने एक इतना अच्छा काम आपका जो है लोग पसंद कर रहे हैं. नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आप बता रहे हैं, बिकॉज़ आई एम श्योर हर कोई इस चैलेंज से गुजरता होगा ना, जब वो चीज वो नहीं मिलती जैसे सोच तो आपका माइंडसेट रियली मैटर्स, योर मेंटालिटी माइंडसेट रियली मैटर्स. मुझे लगता है जब आप लोग ऐसी बात करते हैं तो इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर एवरीवन. आई नो, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी इनसिक्योर, बिकॉज़ मुझे फिर बड़ी हंसी आती है कभी. मैं खुद भी होऊंगा किसी पॉइंट पे, हो जाता है इंसान है यार, इनसिक्योर बहुत होती है इनसिक्योरिटीज, बट मुझे कभी कभी किसी की जात से इनसिक्योर होने से मुझे ये लगता है कि अभी वो गुजरा नहीं है इस टाइम से, वो बच्चा है अभी, या बच्चा इसलिए इनसिक्योर हो रहे हैं. फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये थोड़ा अगर इन्होंने ये हरकत की या कुछ दिखाने के लिए कर दिया, या मैंने एक नई नई वॉच ले ली है तो अब मैं आपके सामने फ्लॉन्ट करूँगा कि मेरे पास, तो मैं सोचता हूँ भाई नया नया बच्चे हैं कुछ है पीपल डू लर्न. आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग यार, मैं कोई यानी हम लोग की बहुत गलतियाँ जो हमें ठीक करनी चाहिए. Thank you so much for your time. It's a pleasure. It was a good conversation we had, I think. Hopefully. And, it was a long conversation, man. इतनी follow-up किया, इतना follow-up किया, इतनी मुश्किल से मैंने 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 सोचा, मैंने कहा नहीं राबिया पूछ लो सवाल यार, फिर पता नहीं कब ऐसे हाथ आएंगे. मैंने कहा पूछ लो राबिया सारे सवाल, because I felt that these are few points that आप जो कहेंगे वो लोग सुनना चाहेंगे. बिल्कुल. और and as I said, I honestly am really really touched and respecting you even more, जो आपने बात अभी बोली है, which is कि हमें शर्मिंदा अपने accent, अपने लोगों की अच्छी बातों के अप्रिशिएट करना सीखें. दो प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आई हैवंट साइंड देम येट. मैं तब कंफर्म करूंगा जब मेरा दिल करेगा. सही है, बिल्कुल सही. एंड आई थिंक जब दिल से करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे. इंशाल्लाह. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर. सो मच फॉर योर टाइम. नो, आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू बिकॉज़ यू गाइस आर सो हम्बल और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं आप हमारे सब एक्टर्स को, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस. थैंक यू. टेक केयर. थैंक्स.